हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुचि और डू इट विद रुचि में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगी तिल की बर्फी बनाना। तो तिल की बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप तिल लिए हैं। तिल को मैंने पहले कढ़ाई में भून लिया था, फिर उसके बाद जब ठंडी होगी तो मैंने इनको मिक्सी में दरदरा पीस लिया है। इस तरीके से दरदरा मिक्सी में पीस लेंगे तिल को। और मैंने यहाँ पर 1 कप गुड़ लिया है। गुड़ को मैंने ऐसे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है, जिससे कि जब हम गुड़ मेल्ट करें तो आसानी से मेल्ट हो जाए। एक कढ़ाई रख देंगे गैस पे और इसमें मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है। तो जब हमारा घी मेल्ट हो जाएगा, तो मेल्ट हो गया है घी, अब हम इसमें गुड़ डाल देंगे और अब हम इसमें 1/4 कप पानी डालेंगे। 1 कप गुड़ था, 1 कप गुड़ में मैंने 1/4 कप पानी डाल दिया है। अब हम गुड़ को हाई फ्लेम पे मेल्ट होने देंगे। हम एक गुड़ की चाशनी तैयार करेंगे बर्फी बनाने के लिए। गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है, लेकिन अभी हमें इसे 2 से 3 मिनट तक हम इसको और पकाएंगे। तो अब हमें 2 से 3 मिनट हो गए हैं, तो जो हमारे तिल थे, जो ये तिल हैं, इनको हम अब डाल देंगे। और डालने के बाद 5 मिनट तक हम इसको और पकाएंगे। जब ये जमने वाली कंसिस्टेंसी पे आ जाएगा तब हम इसको जमाएंगे। चलाते रहेंगे इसको लगातार। गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको हम चलाते रहेंगे। ये जमने वाली कंसिस्टेंसी पे आ गया है ऑलमोस्ट। अब हम थाली तैयार कर लेते हैं। आप बिना बटर पेपर के भी ऐसे ही थाली में घी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ बटर पेपर रखा था तो मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया है। तो बस इस बटर पेपर पे हम घी लगा देंगे, जिससे कि जो हमारी बर्फी है वो आसानी से छूट जाए। तो ये मेरी बर्फी भी तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थाली में डाल लेंगे जमाने के लिए इस तरीके से, और इसको हम जमा देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बर्फी लगती है और तिल की तासीर गर्म होती है और गुड़ भी गर्म होता है, तो आप सर्दियों में इसको बना करके आराम से खा सकते हैं। चम्मच से इसको स्प्रेड कर देंगे पूरे में। अब मैंने यहाँ पर कुछ बादाम लिए हैं, जिनको मैंने ऐसे लंबे टुकड़ों में काट लिया है। अब इससे हम इसको गार्निश कर देंगे। आप चाहें तो बादाम ना डालें, ऐसी भी अच्छी बनती है। हल्का सा मैंने बादाम से इसको गार्निश कर दिया। प्रेस करके बादाम को हम दबा देंगे और इसको अब हम रख देंगे। जब ये हल्की सी ठंडी हो जाएगी तो हम काटने के निशान लगा लेंगे इस पर। अब ये बर्फी हल्की सी ठंडी हो गई तो हम चाकू से निशान लगा लेंगे, जिससे कि जब हम इसके पीस अलग करें तो बहुत ही आसानी से इसके पीस अलग हो जाएं। तो इस तरीके से हम, आप जैसे शेप चाहें वैसे छोटे बड़े या फिर किसी भी शेप में इसके निशान लगा सकते हैं। अब हम इसको जमने के लिए छोड़ देंगे। तो बर्फी हमारी जम चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके पीसेस अलग कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो बस हमारी बर्फी बन करके तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।